हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप भी अपने डेस्कटॉप पे ऐसे ही अमेजिंग वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं, जहां जहां मैं माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूं, वहां वहां कैसे ये सिमुलेट हो रहा है। ये फ्लूइड सिमुलेशन ऐप कैसे अपने डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना विंडो ऑप्शन प्रेस कर लेना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो देख सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमें सर्च कर लेना है लाइब्रेरी वॉलपेपर। तो ये हमारा ऐप है, तो सिंपली हमें इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लेगा एक्चुअली। ये इसका जो साइज़ है 290 MB का है, 290 MB का ही है। और ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसका जो रेटिंग मैं बता दूँ आपको, रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 4.6 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और ये हमारा जो है ये ओपन हो चुका है। तो मैंने जो भी आपको फर्स्ट वाला वॉलपेपर दिखाया था, ये हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड सिमुलेशन यूजिंग वेब जीएल। और मैं जैसे ही सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, ये अप्लाई हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे। आप अपने डेस्कटॉप पे, वॉलपेपर पे, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली पहले इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे इसको क्लिक किया, ये हमारे डेस्कटॉप पे बहुत ही ईजी वे में अप्लाई हो चुका है। तो मैं इसको पहले मिनिमाइज़ करके आपको दिखा दूँ कैसे ये वर्क करता है। तो देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर मैं माउस का पॉइंटर ले जाऊँगा, वैसे वैसे यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, काफ़ी कूल लग रहा है। तो आप इसको अपने फ़ोन में भी सेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप अपना फिंगर स्क्रॉल करेंगे, जहाँ जहाँ पे, वैसे वैसे वहाँ पे मतलब चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो मैं फ़ोन के लिए आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं आपको दूसरा वॉलपेपर दिखा देता हूँ। तो बहुत सारे हैं, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं हमारा ये सेकेंड नंबर भी यहाँ पर कुछ ग्रीन इफ़ेक्ट दे रहा है, ग्रीन और ब्लैक में। और ये यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये एनिमेट होता रहेगा। ये कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज है, यहाँ पे ये एनिमेट हो रहा है। और हमारा आ जाता है ये फोर्थ नंबर भी काफ़ी कूल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जेली फिश के जो है यहाँ पे वॉलपेपर दिख रहा है, जो कि एनिमेटेड है, बट इसमें कुछ अलग है। तो देखेंगे जैसे मैं इस पर माउस क्लिक करूँगा, ठीक है, और जिस तरीके से इसको रोटेट करूँगा वैसे ये रोटेट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये मूव हो रहा है। जिधर जिधर मैं मूव करूँगा माउस का सर्कल, उधर उधर वैसे वैसे ये बिहेव कर रहा है। तो मैं इसको पहले नंबर सेट कर लेता हूँ टॉप व्यू में। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको और भी वॉलपेपर दिखा देता हूँ। ये हमारा है फिफ्थ नंबर वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिधर जिधर मैं माउस का पॉइंटर ले जाऊँगा, वैसे वैसे ही यहाँ पे ये मूव हो रहा है। तो ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। तो मैं यही वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है। गाइस, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।